नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लगातार राजस्थान के विभिन्न जिलों से अपडेट आ रहे हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के। तो दोस्तों, ये एक और अपडेट है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या है पूरी जानकारी। ये आप देख सकते हो दोस्तों, चिकित्सालय में कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती मामला क्या है पूरा मामला। सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी होगी जिले की वरीयता सूची। तो दोस्तों, कौन से ज़िले का ये अपडेट मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी होगी ज़िले की वरीयता सूची। तो यानी कि आप देख सकते हो 7 से 8 दिन आपका समय है वो लग सकता है सूची जारी होने में। और ये देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट है ये रामगंज मंडी पत्रिका से कोरोना की तीसरी लहर को संभावित देखते हुए ज़िले के कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नई भर्ती को लेकर वरीयता सूची सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी, जिससे जेएनएम बेरोजगारों में दिन बिताने वाले सैकड़ों युवक युवतियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जून माह में चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों की पूर्ति करने के उद्देश्य से कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां आवेदन करने और अभ्यर्थियों की योग्यता का मापदंड बीएससी नर्सिंग और जेएनएम निर्धारित किया। कोटा जिले में 678 जनों की कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में भर्ती किए जाना था। आवेदन की अंतिम तिथि 26 से 27 जुलाई। तो दोस्तों, ये अपडेट आप देख सकते हो कोटा ज़िले का है, और कोटा ज़िले की जो लिस्ट है, जो वरीयता जो सूची है, वो अब सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में जारी की जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, कोटा ज़िले को लेकर के अपडेट था। जैसे ही अन्य ज़िलों से संबंधित कोई जानकारी होगी तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।